क्या क्या लाख मिला रुपए है? मिले हैं, कॉलोनी मिली है, आयुष्मान कार्ड मिला है, नौकरी मिली है। सारी पूरी पूरी सहायता हमको मिली। क्या क्या मिला है? आयुष्मान कार्ड दिया गया और धनराशि दी गई और नौकरी के लिए भी कहा। क्या नाम है? मुन्नी देवी। सरकार जौन के चलते खुश हन, हमका बहुत कुछ सब कुछ दी। बहराइच दंगों की आग में जला तो इसके पीछे ये गोलीकांड अहम वजह थी। इस गोलीकांड में एक घर का चिराग बुझ गया था। रामगोपाल मिश्रा को गोली लगी थी और उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद रामगोपाल के परिवार को सीएम योगी ने मिलने लखनऊ बुलाया था। ये बहराइच के पीड़ित परिवार की सीएम योगी से मुलाकात की वही तस्वीरें हैं। देखिए, सामने सीएम योगी बैठे हैं और उनसे मिलने पहुंचा था बहराइच हिंसा में जान गंवाने वाले रामगोपाल मिश्रा का परिवार। मृतक रामगोपाल के माता पिता और पत्नी मिलने पहुंचे थे। तब सीएम योगी ने कहा था कि दुख की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। इस घोर निंदनीय और अक्षम्य घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके कुछ दिनों बाद ही आरोपियों का एनकाउंटर हुआ और गोलीकांड के 6 आरोपी अब पुलिस के गिरफ्त में हैं। और अब सीएम योगी ने अपना वादा भी पूरा कर दिया है। मृतक रामगोपाल मिश्रा के परिवार तक सरकार की मदद पहुंच गई है, जिससे मृतक रामगोपाल की पत्नी ही नहीं पिता और पूरा परिवार खुश है। पत्नी के जुबान ही सुनिए योगी सरकार से उन्हें क्या मिला। आप योगी जी से मिली थी जी। जो बात हुई थी वो सहायता आपको मिली या सहयोग मिला आपको? हाँ मिला। क्या क्या मिला है? मिले हैं, कॉलोनी मिली है, आयुष्मान कार्ड मिला है, नौकरी मिली है, मिला है, सब कुछ मिला, उनका दिया हुआ सब कुछ मिला है। सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट है? संतुष्ट है। बहराइच गोलीकांड में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के पिता और भाई से भी जब यही सवाल दोहराया गया तो उनका भी यही जवाब था कि वो योगी सरकार से मिले मदद से संतुष्ट हैं। सहायता जो मुख्यमंत्री ने कहा था उस सारी पूरी पूरी सहायता हमको मिली। क्या क्या मिला है? आयुष्मान कार्ड दिया गया और धनराशि दी गई और नौकरी के लिए भी कहा और घर बनाने के लिए कहा गया। तो जो सरकार ने कार्रवाई की है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ हाँ, खूब संतुष्ट हैं। सरकार कार्रवाई कर रही है, सरकार हमारे साथ। हमसे नौकरी और अरे अरे कॉलोनी और 10 लाख रुपया और लैटरीन और आयुष्मान कार्ड और ये सब आपको मिल गया? मिल गया, मिल गया। सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट? संतुष्ट है। दरअसल दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान बहराइच दंगों की आग में जल उठा था। हिंसा की चिंगारी तब जल उठी थी जब मूर्ति विसर्जन के दौरान रामगोपाल मिश्रा एक मुस्लिम घर पर चढ़कर हरा झंडा उतारकर भगवा झंडा लहरा रहा था। इसी दौरान उसे गोली मारी गई, जिसके बाद बहराइच जल उठा था। लेकिन अब शहर में शांति है। पुलिस और प्रशासन ने भी अफवाहों से दूर रहने की नसीहत दी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।